दोस्तों आज हम हैंड रे मीटर के लिए कुछ ऐसा वर्कआउट करेंगे जिससे आपका स्पीड बहुत बढ़ेगा। आपका टाइमिंग अगर बहुत बाहर जाता है, 13 सेकंड प्लस हो, 12 सेकंड प्लस हो, उसको अंदर लाने के लिए हम कुछ ऐसा बेस्ट वर्कआउट करेंगे, स्पीड वर्कआउट करेंगे जिससे आपका स्पीड बहुत बढ़ेगा और आपका टाइमिंग भी कम होगा। तो कौन से एक्सरसाइज है, किस तरह से करना है, अच्छे से देख लो। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ स्पीड वर्कआउट करेंगे जिससे आपका स्पीड बहुत बढ़ने वाला है। तो हमें कैसे करना है, देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम 5 या 6 मीटर डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पर इस तरह से हम डिस्टेंस लेने वाले हैं। यहाँ पर हम 5 वर्कआउट करेंगे जिससे आपका स्पीड बहुत बढ़ेगा। जो आप हैंड रेमेड रनिंग करते हो और उसमें आपका स्पीड नहीं लगता, तो स्पीड मेडने के लिए ये सभी एक्सरसाइज है। तो कैसा करना है, किस तरह से करना है, अच्छे से देख लो। एक एक्सरसाइज के हमें 2 सेट करना है, ऐसे में 4 या 5 एक्सरसाइज करना है। तो सबसे पहले हमें शॉर्ट हैंड करना है। चलो तो इस तरह से हमें शॉर्ट हैंड नहीं करना है, हमें क्या करना है, ज़्यादा फास्ट एक्सरसाइज करना है, इससे आपका स्पीड बहुत बढ़ने वाला है। इसके हमें 2 सेट लगाने हैं, उसके बाद नेक्स्ट वर्कआउट, उसके बाद हम फुल हैंड नहीं करेंगे। चलो फुल हैंड, बिल्कुल स्ट्रेट। ये सेकंड एक्सरसाइज होगा, यहाँ पर हम हाई नेक करते वक्त हमें क्या करना है, हमें आपकी बॉडी जो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। हाई नेक करते समय आपका जो नहीं ये 90 डिग्री तक उठाना है और ऐसे फास्ट एक्सरसाइज करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, उसके बाद ए स्किप, ये देखो इस तरह से एक्सरसाइज करते वक्त हमें क्या करना है, ए स्किप करते वक्त हमें बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और आपका जो नहीं है वो आपकी कमर के लेवल पर इस तरह से आपको पैर को उठाना है। इस तरह से आपको फास्ट एक्सरसाइज करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हम फ्रंट किक करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट वर्कआउट फ्रंट किक। चलो स्टार्ट, कमर बदलने से फास्ट। इस एक्सरसाइज के हमें 2 सेट लगाने हैं। एक्सरसाइज दोस्तों अच्छे से देख लो, अच्छे से करो, आपको 100% रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर हम लास्ट बैक नहीं करेंगे। चलो स्टार्ट, बॉडी स्ट्रेट करो। ये बैक नहीं हो गया, इस तरह से हमें इसके भी 2 सेट लगाने हैं। और इसके बाद हम कुछ एक लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसका नाम है फुट टैपिंग। और ये सभी एक्सरसाइज दोस्तों अच्छे से कर लो, आपको 100% रिजल्ट आ जाएगा। ये सभी एक्सरसाइज आपको वीक में 2 बार करना है। चलो लास्ट एक्सरसाइज देख लें, चलो फुट टैपिंग करना है फास्ट। तो दोस्तों इस तरह से आपको एक्सरसाइज करना है, इस तरह से आपको फास्ट एक्सरसाइज लगाना है जिससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। आपको हफ्ते में 2 बार इस तरह से वर्कआउट करना है और आपका जो 100 मीटर का जो टाइमिंग है 100% कम हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो हम अच्छे से बनाएंगे, आप अच्छे से देख लो।